अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम लोग आज फिर इकट्ठे हो गए हैं, हमारी बेतुकी टीम। हम लोग बैठे हुए थे तो हमने देखा कि आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा हम भी अपने बेतुके अंदाज में इस पे कोई तबसरा करें। तो बेसिकली जैसे पाकिस्तान में लोग शॉपर भी कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, तो ये है हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे पास हमारा बेतुका पैनल मौजूद है आज एज यूजुअल। तो हमारे बेतुके पैनल में हज़रत जफर साहब, ताहिर रशीद साहब और शुएब जफर साहब। तो देखते हैं कि आज की डिस्कशन कहाँ जाती है। तो जी शुएब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो शॉपर बेसिकली जो डिस्कशन हो रही है प्लास्टिक बैग के ऊपर? जी, पहली तो बात यह है कि कोई भी शॉपिंग बैग जो है खासतौर पर वो इसलिए नुकसान भी ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता। हम उसको एक दफ़ा यूज़ करते हैं और उसके बाद बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, बाहर फेंक देते हैं या कह लो बिन में डाल देते हैं। तो उसको तलफ करना जो है, उसको डिस्पोज ऑफ करना जो है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपको फ्रेम बना के लगवा लिए घर, आप अगर उसको जलाते हैं तो भी आलूदगी, ठीक है, वो माहौल पे असर, बुरा असर छोड़ता है अपना। और उसके अलावा जो है, आप जो एक यूज, एक दफा यूज होना उसका जो है, यानी डिस्पोजेबल होना, ये इस लिहाज से बहुत बुरा है क्योंकि इसमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं खासतौर पे एक शॉपिंग बैग बनाने के लिए, वो जल्दी डीकम्पोज नहीं होता हमारे, जिस तरह कोई जमीन में भी वाज लोग दफना देते हैं इसको, लेकिन उसको भी उसके गलने सड़ने के अमल को 500 से 1000 साल लग जाता है। मेरे ख्याल चटनी किच पवाओगे बड़ा बारीक नुक्ता है कि चटनी किच सानू छापर की लोड़ पैनी पैनी, कोई बर्तन लैके जाना यार की हो गया। तुसी बर्तन लैके चले गए, चने खरीदे, नान छोले लैन, नान तुसी कागज च पवा ले, चने तुसी पवा ले बर्तन च, वापसी मोटरसाइकिल चला के आ रहे हो, रस्ते च चिकड़ छोले होने, छोले पैदल हूं शापर बचाने लिए पैदल टूट पई है। वाह क्या बात, एनवायरमेंट को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो आप बेसिकली ये हमें बताना चाह रहे हैं कि शापर जरूरी है जिंदगी के लिए, यानी कि आप ये तो बगैर भाजन टाडा 1 मिनट नहीं लंघ सकता। पण इस तो बेतुकी हरकत की करनी है, हमारे शो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि शापर के नुकसान। अच्छा है टॉपिक इसका, लेकिन मैं भी अपना सालन शापर ही लेके आना है, पर नुकसान क्या है की कहंदे तो बेताड़े ख्याल से नुकसान आ रहा है ना शापर दे। मेरा तो ये ख्याल है कि तुसी जड़ा अज दा टॉपिक चूज कीता है, बहुत ही जड़ा ना एक नेशनल टीवी चैनल दे उत्ते बैठ के जूल जिया हल्का जिया फटिया होया, मेरा नहीं ख्याल करदा कोई तुक भी बनदा सी। तुसी साडा ते टाइम, बल्कि साडा ही टाइम जाया हो रहा है, लोग ते ऑलरेडी साडा चैनल देख रहे ने, उहनां दी टाइम दी ते चलो खैर है क्योंकि ओह मैटर इन्ना नहीं करदा, लोकी ऑलरेडी तुसी जो भी छुट्टी जाण दे लोकी वेखी जाण दे, सब्सक्राइब करी जा रहे ने। सो लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि कोई शापर दे नाल तुहानू कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। मसलन तुसी वली साहब जांदे हो अपना ग्रोसरी करन, ठीक है ना, वीक दी या मंथली या 15 दिन की 40-50 pounds की ग्रोसरी करते हो ना, तो यार ये 20 pounds का एक शापर भी ला लोगे तो की नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। सर आपको अंदाजा नहीं है इसका सेहत पे ग्लोबल सर जी, मैं दसदा जी रिसर्च है ना, मैं देख रहा सी, मैं भी देखा सुबह मेरी नजर ते गुजरी है, तो उत्थे लिखा सी भई एक जड़ा ना शापर है दी लाइफ जड़ी है ना अपना 100 to 500 years तक है। यकीन करो भाई मेरे नाल सी उस दिन, मैं दो दो दी बोतलां पाईयां ना ते नाल ही शापर टूट गया। ये सब 500 साल किन्ने देखे, 500 साल नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप ये तो कह रहे हैं कि शॉपर नुकसान है, लेकिन जैसे अब ये शोएब साहब है, इन्होंने एक मसला पेश किया है कि अगर शॉपर ना हो आपके पास तो उसके अल्टरनेट क्या है, आप क्या लोगों को दे रहे हैं कि अल्टरनेट क्या है हमारे पास का, मतलब मैंने सालन जाल के लेके जाना है शॉपर में तो मैं किस में लेके जाऊँ। मतलब मेरा तो ख्याल है कि जिस घर आप आए मेहमान बन गए, या तो उनको कोई अपने बर्तन में देना चाहिए, या अगर आपको ख्याल था कि आपने सालन लेके जाना चाहते हुए गुजारा है, दसो
शादी पे नहीं गया तो वो फिर बाजार से खाना लेके खाए। शादी का खाना जरूर खाना जरूरी है, जरूरी तो नहीं है। शादी का खाना बहुत जरूरी है, शादी का खाना बहुत ही क्वांटिटी में मिल जाता है। क्यों साहब शादी का जिक्र हो रहा है, मैंने एक ना वाकया याद आ गया। मेरे अंकल गए शादी से, मैं नाम नहीं उन्होंने लेंदा, लेकिन उन्होंने तक मेरा उम्मीद है कि चैनल साड़ा पहुंच जाएगा। ऑलरेडी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया साड़ा चैनल, वीडियो तक पहुंच जाएगी। शादी से गए सी, सर्दियां की शादी सी, तुहानू पता पाकिस्तान दे विच सर्दियां दी शादी है ना, स्वीट दे विच ते बनता है हलवा, ठीक है ना। तो जो खाने तो फर्क हो गए ना, तो काफी सारा जो उन्होंने अपने उन्होंने को छापरी देखी नहीं, छापरी सी छापर शुरू करता काफी मकदार फिर करीब तक कजन उन्होंने गुजरिया कजन उन्होंने करीब तो गुजरिया ना, तो उन्हें कहा भी इना कदी घर भी खादा वा, तो उन्होंने फिर की जवाब सी, उन्होंने कहा कदी इना कदी घर पकया भी है, ठीक है ना। शादी के फायदे ने कि तुसी 200 सलामी दियो 1000 ना लै जो। आप लोग टॉपिक से हट रहे हैं, मैं आपको फिर एक बार वापस लेके आ रहा कि हम अपनी ऑडियंस को इस टाइम में ये नहीं बताना चाह रहे कि शॉपर के फायदे क्या हैं, हमने उनको ये अवेयरनेस देनी है कि क्यों शॉपर, क्यों हमें ये जो है ना शॉपर शॉपर लगे हुए हैं। बेसिकली प्लास्टिक बैग हमें क्यों नहीं यूज करना चाहिए घरों में, हमें अवॉइड करना चाहिए, ये हमारा बेसिकली मकसद है। हर चैनल वाले दस रहे ने कि शॉपर क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा ख्याल सानू ऐ दसना चाहिए कि शॉपर दे की फायदे ने। बिल्कुल, बिल्कुल। और कंटिन्यू करो, दबा के करो शॉपर, परवाह नहीं करनी किसी शायद दे भी, असी तड़े नाल हां, परेशान नहीं होना यार। अजीब बात ये है, आप लोग ये जो दलील दे रहे हैं कि खाना वगैरह लाना हो कहीं से तो शॉपिंग बैग में लेके आए, आप ये सोचें कि जो शॉपिंग बैग आप इस्तेमाल कर रहे हैं खाना लाने के लिए, उसको आप किसी हद तक खा भी रहे हो खुद भी, उसमें जो मुजर उसमें अज्जा इस्तेमाल हुए हैं उसके बनने में, देखे आप इतनी मुश्किल खाना नहीं, 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 मैं गर्म खाना उसमें लेके आते हो तो वो पिघल जाता है उसके साथ, ठीक है। वो उसमें से जो अज्जा है मुजर वो उसके खाने के अंदर जाते हैं और उससे आपको पता कि आप वो जो शॉपिंग बैग हो वो भी खा रहे हैं। ठंडी स्वीट से मेरा की ख्याल है, ठंडी ले आ सकते हैं शॉपर, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो नुकसानदेह चीजें हैं उसमें वो आप अपने साथ खा रहे हो उसके साथ जो भी खाने की चीज। पाकिस्तान हो ਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਐ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਰ ਸ਼ਾਪਰ ਕੋਈ ਸਰ ਸ਼ਾਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਨ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ਾਪਰ ਰੋਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਬਿਲ ਫਰੇਬ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਕੀਚੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਐਂ ਨਾ ਟੁੱਟੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਹਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਤਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਸੇਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਜੋ ਹੱਥ ਜਬ ਆਪ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਜਬ ਉਹ ਜਲ ਰਹਾ ਸ਼ਾਪਰ, ਵੋ ਆਪਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਕਾਸਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਮੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है, ये प्लास्टिक में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो इतनी बुरी हैं कि ये जो कैंसर वगैरह आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है ये इसी की वजह से फैल रहा है। और एक 5 ग्राम का मतलब है कि आप एक क्रेडिट कार्ड के बराबर, क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके बराबर आप प्लास्टिक जो है वो हर हफ्ते खा रहे हो, फिर उसको आप कैलकुलेट करें, पैसे भी होते हैं अब आप उसको कैलकुलेट करें तो वो देखें बढ़ते जाएंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ, अगर आप एक महीने में तकरीबन 20 से 21 ग्राम आप खा जाते हो और फिर एक साल में आप तकरीबन 2.5-3 किलो के करीब खा जाते हो, तो आप इस चीज से अंदाजा लगाओ। लेकिन यार स्टिल है चीजों का फायदा ना, बाकी खुराक फिर घट जाएगी, घट खाओगे घट स्पेंडिंग होगी, मतलब नुकसान तो नहीं है मेरे साथ, कुछ ना कुछ खाना है।
ये देखें ऑडियंस, ये जो है ना, ये पता नहीं, ये मैं गलती से इनको बिठा लिया शो में आज, ठीक है। तो माजरत के साथ, हमारा टॉपिक तो था कि हमने वेयर नहीं है कि शॉपिंग बैग देखे, देखो जी दोस्तों नहीं यूज करना, लेकिन ये तो मुझे देखो जी दोस्तों तुसी प्रोग्राम देखना, तुसी इंसाफ ना फैसला करना है। असी दो पैनलिस्ट हां, ठीक है ना, असी कह रहे थे बेशुमार फायदे ना दस भी रहे हैं। अच्छा, ए साडे दोस्त बकोल इना दे रिसर्च करके आए ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗੋਟ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸੇ ਦੌਰ ਉਸ ਦੌਰ ਮੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਬੈਟਰ ਥੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਾ ਆਪਕੋ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਉਸ ਦੌਰ ਮੇ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪ ਲੋਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ, ਜਿਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਲੋਗ ਜਵਾਬ ਦੇ। लंगोट का तो एक फायदा ये था कि बच्चा ज्यादा देर गंदा नहीं रहता, ठीक है। सुनो जी, अब आजकल मैंने ऐसी माएं भी देखी हैं जो एक दफा सुबह पैंपर लगाती है और रात को चेंज करती है, तो वो बच्चा जो है अपनी गंदगी साथ लिए फिरता है। आप कहते हैं पैंपर भी यूज करना बंद कर दें, कम करना चाहिए इसको, कम से कम चीजों को कम करें। जिस लंगोट की तुम गल कर रहे हो ना, साड़ियां मामा ब्लू कलर का लिया सन, तो येलो करके छोड़ के लिया सन। जिन लोगों को आप ये बता रहे हो कि शॉपर ना इस्तेमाल करो, उधर कोई सिस्टम ही नहीं है। आपकी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नहीं है, होना चाहिए। तो फिर अगर नहीं है तो फिर अल्टरनेट गया, लोग क्या करें उसको, कहाँ पे ले जाए गंद को, जब कोई उठाने नहीं आएगा। हमारा सिर्फ सारी बात करने का मकसद ये है कि इसके इस्तेमाल को मिनिमाइज करें, इसको बढ़ाए नहीं, इसको बढ़ावा ना देंगे। आप जिस तरह फेवर कर रहे हैं कि होना चाहिए, देखने वालों को हम बता देंगे, उनको नहीं पता होगा क्या किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। यूके गवर्नमेंट ने तकरीबन हमारे दो ढाई साल से, तकरीबन 2015 से जो शॉपिंग बैग्स हैं सुपरमार्केट्स में आप चीजें लेने जाते हैं, तो उनपे उन्होंने 5p चार्ज करना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तानी कह लें 10 रुपए 12 रुपए एक शॉपिंग बैग के वो चार्ज कर रहे हैं। तो उसका ये फायदा हुआ है कि जो लोग हर शॉपिंग पे हमेशा जब भी शॉपिंग के लिए वो जाते थे, शॉपिंग बैग एक नया लेके आते थे और उसको बिन कर देते थे, ठीक है, उससे इतना फायदा हुआ है लोगों को। अब जो गवर्नमेंट के इसके स्टैट्स आए हैं वो ये आए हैं कि एक एक इंसान, एक बंदा जो शॉपिंग करने के लिए जाता है, 140 शॉपिंग बैग एक महीने में वो यूज करता था। जब से इन्होंने उस पर चार्ज लगाया, उस चार्ज के बाद, उसके बाद से 90% लोग कम हो गए ये शॉपिंग बैग इस्तेमाल करना। दोस्तों उसका फायदा तो हो गया है लोगों को। दोस्तों साड़ा एक दोस्त आया, वो भी आए ना, देखते हैं की लेके आए, इन्होंने किड़ी चीज लेके आए। अमर साहब आए ना, जरा तुसी उन्हें रोशनी पाओ, फिर उन्होंने पूछते हैं शॉपर च चीजा लिया ने, अगर शॉपर चला रहा है कैमरे के करना। अमर साहब कैमरे का करें जरा, अमर साहब ये देखिए, ये भी अब ये शॉपिंग बैग के अंदर डाल के ले गए हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है, इस टाइम बहस ये है कि क्या अगर ये शॉपिंग बैग ना होता तो ये आमिर सेल किस चीज में लेके आता? तो ये हम आपको इसके इसके ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे अगले पैरे पे आ गए, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही थी शॉपिंग बैग के ऊपर जी, क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी कम है, हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। शॉपिंग बैग जो है उसके इतने ज्यादा नुकसान आते हैं आबी माहौल पे, उसके अलावा जानवर परिंदे ये निगल लेते हैं, उनकी जानों को अलहदा खतरा। उसके हम तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, हमें पता कि ये खाना नहीं है, लेकिन जो परिंदे हैं आबी जानवर हैं उन पे बहुत ज्यादा बुरे असरात पड़ रहे हैं। और बल्कि एक तहकीक में ये भी बताया गया है कि जो माहीगीर हैं शिकार करने के लिए जाते हैं, उनके शिकार में भी बहुत ज्यादा कमी वाकई हुई है इस वजह से, क्योंकि जो पानी का माहौल है वो भी हमने गदला कर दिया है इस किस्म की जो आलूदगी है उससे। तो अब हम हल की तरफ भी जाते हैं इसके, कि इसका हल क्या होना चाहिए। ये जो शॉपिंग बैग है ये तो आमिर साहब लेके आए हैं, लेकिन इसके अंदर देखें क्या है। ये देखें, ये एक प्लास्टिक कंटेनर है। इस प्लास्टिक कंटेनर को आप 10 दफा 20 दफा 40 दफा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ये एक डिस्पोजेबल चीज नहीं है, यानी इसको ये नहीं कि एक दफा यूज किया और फेंक दिया वायर। तो इसका ये फायदा हो जाएगा कि हम उसको मिनिमाइज कर लेंगे, जो शॉपिंग बैग है इसके इस्तेमाल को। उसके अलावा ये कंटेनर है, ये पेपर के कह लें या गत्ते के कह लें, जिस तरह आप कह सकते हैं इसको, कार्ड के हैं ये कह लें बेसिकली। तो ये भी जो है ये डीकंप्रेस होने में ज्यादा टाइम नहीं लेते, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है अगर हम इन चीजों में इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि आप सब पे, आप कुछ कहना चाहेंगे? सीमित मैं क्या प्रोग्राम को है, अच्छा हाँ जी, मैं लेके चलते हैं मैं। हाँ जी, तो अब इस तरह के हमें चाहिए सबको मिलके इसको जितना कम कर सकते हैं इस्तेमाल को करें, और जितनी बार यूज कर सकते हैं जरूर करें। बाकी हमारे दोस्त जो है ये मजाक में बात कर रहे थे, सिर्फ बात को आगे चलाने के लिए, तो इसलिए ये ना समझे कि ये खिलाफ है इस चीज के, बल्कि ये भी जो है इस हक में नहीं है कि शॉपिंग बैग जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किए जाए। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ किसी और टॉपिक, आपके पास किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लाजमी करें, सब्सक्राइब प्लीज। अमर से जरा सालन फणी है शॉपर इशारा।